अच्छा, आज मीटिंग में क्या कुछ उम्मीद है? पूरे देश भर में मीटिंग होगी ना कुछ तरह की मीटिंग। अभी बीच में हम मतलब वहाँ गए थे, महाराष्ट्र गए, आज यहाँ पर प्रोग्राम है। ये तो पूरे देश भर में मीटिंग चलेगी, तो 40 लोग हैं या और लोग हैं, तो वे सब मीटिंग करेंगे अब अपने स्टेट में। छोटे साहब, आप 26 जनवरी पर इंटरव्यू, क्या आप लाल किला पहुँचे? लाल किले पे कोई नहीं गया ना हम गए, और जो भी वहाँ पे गए जो ऊपर गए उनको बहका कर रखे। हम पिछले 35 साल से आंदोलन कर रहे हैं और हर बार हम कहेंगे पार्लियामेंट में जाएंगे, आर पार करेंगे। तो कोई जीवन में कोई पक्षकार हो गया आंदोलनकारी, कोई पार्लियामेंट में गया? लाल किले पर कैसे आदमी चला गया? उनको बहका के, उनको उकसा के वहाँ पर भेजा गया, उनको रास्ता दिया गया, उनको लाल किले के बुलंदी तक जाने दिया गया, और एक धार्मिक झंडा वहाँ पर नीचे कर लेते हैं। एक बड़ी साजिश है, इसकी जब जांच होगी, जब इतिहासों में किताब लिखी जाएगी, इनका नाम आएगा आपके ऊपर गंभीर धाराओं में। हाँ, तो फिर आंदोलन जब तक चलता रहेगा जब तक तो नहीं, फिर अपना जेल में रहूँगा। अच्छा चौधरी साहब, जिस तरह किलेबंदी की गई है पूरी, क्या क्या मैसेज है इस तरह का? सड़कों पे कील लगाई हुई है। हाँ, तो कील लगा रही, किलेबंदी मजबूत किलेबंदी है ना, यही किलेबंदी जो गोदाम बनेंगे अनाज के उसके चारों तरफ लगेगी, और लोग बाहर भूख से तड़पते रहेंगे और ये किलेबंदी रहेगी, ये उसका एक नमूना। क्या ये जो पूरी व्यवस्था है, कुछ ऐसा तो नहीं है कि किसान जो वहाँ बैठे हैं राशन वगैरह ना ले जा पाए, इस तरह का है क्या? नहीं, उसका नहीं है। ये किलाबंदी एक नमूना है, जब हमारा अनाज तिजोरी में बंद हो जाएगा तो उसके बाहर इसी तरह की किलेबंदी होगी, उसको कैसे भेज पाओगे? आपसे संजय राउत ने मुलाकात की है, महाराष्ट्र के बड़े नेता है, तो क्या क्या कुछ मीटिंग क्या क्या उन्होंने कहा था कि कोई दिक्कत हो तो बताओ? मुझे कोई दिक्कत, आप अपने वहाँ पर वही किसानों का भला करो। वहाँ तक कृषि मंत्री आए थे झारखंड से, वो जल लेकर आए थे वहाँ के किसानों की तरफ से, पूरे प्रदेश की तरफ से वो जल लेकर आए थे वहाँ पे, और रात भी रुके हुए और सुबह भी गए, और उन्होंने भी वहाँ पे जो किसान आंदोलन वहाँ पे हुए, तो करीब 2000 ट्रैक्टरों के साथ में आंदोलन करा, लाखों आदमी जो विपक्ष वाले कोई नेता वहाँ पर होंगे उनने यात्राएँ निकाली वहाँ पर, और यही हाल बिहार का रहा। पटना में भी 1 लाख से ज़्यादा लोग थे यात्रा निकाली। तो सरकार साहब, अभी एक आपने ट्वीट भी किया था कि जो कृषि जो बिल आया है या बजट जो पास किया है, कृषियों के लिए कुछ भी नहीं, किसानों के लिए कुछ भी नहीं। हाँ, कहाँ है कुछ? FCI के लिए ख़त्म कर दिया सब कुछ, जो गरीब को अनाज मिलता था वो ख़त्म होगा और किसान से खरीदारी बंद होगी, ये सारी चीज़ें होने वाली है। ये रोटी तिजोरी में बंद होने वाली है, ये आंदोलन रोटी तिजोरी में बंद ना हो उसका। अच्छा, आपने का मंच से पहले जब धरना चल रहा था उसमें ऐलान किया था कि राजनीतिक नेताओं को नहीं मंच दिया जाएगा, ना मंच दिया जाएगा और ना माइक देंगे ना भी देंगे। अच्छा चौधरी साहब, जिस तरह पूरा विपक्ष जो है और पूरे किसान है वो समय जो है किसान बिल के इस पक्ष में है कि ना पास, उसे वापस लिया जाए, तो सरकार का रवैया तो बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा कि कहीं बैकफुट पे आ रही है। अब तो हमारे पे क्या इलाज है, अगर नहीं आ रही तो आंदोलन चल रहे पूरे। हमने अक्टूबर तक का टाइम अब दिया है कि अक्टूबर तक का किसान तैयारी करे। तो ऐसा क्यों अक्टूबर तक को आपको क्या कैसा क्या महसूस हुआ? ये गांव की कहावत है, किसी के बालक अगर कोई मेले में रड़ गया गढ़ के मेले में या तिगरी में और वो नहीं मिला कहीं, तो वो अगले साल उस मेले में जरूर हुआ होगा। तो सरकार भाई चली गई, अब रड़ेगी सरकार, तो हमें सरदार की उम्मीद है कि अगले साल सरदार सर्दियों में हमें मिलेगी। चौधरी साहब, 26 जनवरी को जो हिंसा हुई उसके बाद में 27 जनवरी की देर रात बड़ौत में जो किसानों का धरना चल रहा था, पुलिस ने जबरन लाठी भांज के उनको उठा दिया गया। हाँ, ये नहीं होना चाहिए था, और जहाँ धरना चल रहा था उन किसानों को फिर वहाँ पर धरना शुरू करना चाहिए। आज महापंचायत में क्या कुछ उम्मीद है? दिल्ली पर निगाह रखेंगे पंचायत के लोग। अच्छा, हाँ, दिल्ली पे निगाह रखो भाई धरनों पर अपने, और अपना खेती का काम भी करते रहो। ठीक है साहब, आप धरने पर एक बार भावुक हुए थे, रोए थे, उसके बाद में वापस से करीबन 10-15 ट्रैक्टर वहाँ पानी लेकर भी पहुँचे। हाँ, पानी लेकर पहुँचे, वो गुस्सा पूरा गुस्सा इकट्ठा करा आम किसान का, वो पानी में कन्वर्ट करा, क्योंकि इतना गुस्से को पानी ही उसको ठंडा कर सकता था।
ओझल पूरा वहाँ पर रखा गया है, जो पूरे देश भर से किसानों का गुस्सा जलमाया है वो वहाँ रखा हुआ है, उसको सरोवर में और गंगा जी में, क्योंकि इतना गर्म तासीर उसकी है, उसको उसमें प्रवाह करा जाएगा और वो समुद्र से जाएगा, बादल भर के वही किसानों के खेतों पर बरसेगा। और इस आंदोलन का जो देव होगा, जो आंदोलन का वो होगा, वो जल होगा। हमेशा किसानों को उस जल की पूजा करनी चाहिए, जल को व्यर्थ नहीं जान देना चाहिए, इसी जल ने इस किसान आंदोलन को और किसानों की पगड़ी को बचाया। अच्छा, क्या बड़ौत में दोबारा धरना रखना चाहिए किसानों को? वे जो कमेटी थी उनको रखना चाहिए। चौधरी साहब, जो नंदकिशोर गुज्जर हैं उन्होंने किसानों के ऊपर काफ़ी कुछ बोला था, उसमें क्या कहेंगे आप? उन्होंने कह रहे थे कि हम ही हटा देंगे किसानों को। अब पता नहीं भाई, बोला पहले उसने आलू भी भिजवाए वहाँ, कम्बल भी भिजवाए, चिन्नी भी भिजवाई, फिर उसने क्या हुआ वो तो वही बता सकते। धरने पर समर्थन किया था उन्होंने? आए तो थे, लेकिन उसके लोग आए थे, उसके नाम से सामान दे के थे, उन्होंने भिजवाया।